वाटर पार्क में नहाने के दौरान युवक की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मृत्यु। स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में युवक की मौत होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्विमिंग पूल से युवक को बाहर निकालकर सैफई अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि जनपद मैनपुरी के थाना भो गांव के ग्राम रोई निवासी आशीष अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ कस्बा करहेल के शिव रिसोर्ट में बने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आया था, जहां उसके स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवारजन भोगांव से करहेल पहुंचे, जहां मृतक आशीष के पिता महेंद्र कुमार ने तीनों दोस्तों पर पानी में डुबोकर मार डालने का आरोप लगाया है। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम महेंद्र सिंह है। अच्छा बताइए क्या घटना हो गई यहाँ? आप ये हुई कि ये हमारा बेटा है और हम ये इनके यार दोस्त है, पता नहीं यार दोस्त क्या थे, इन्होंने बुलवाया है सुबह मोबाइल से। लड़का आया है और ये मैनपुरी कह के आया कि पापा मैं मैनपुरी जा रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा, नहीं पहुँचा। मैंने इंतज़ार किया और ये लड़के यहाँ पर लाए हैं और पूरा 101% ये लड़कों की साजिश है। तीनों लड़कों ने इसको डुबोया है और हाथ पकड़ के दूसरे वाले लड़के को अपने साथ। कौन कौन लड़के हैं? कौन कौन ये लड़के? तीनों गोविंदपुर जनपद मैनपुरी में गांव पड़ता है, कोतवाली भोगांव के अंतर्गत गोविंदपुर के रहने वाले हैं। और वो तीनों लड़के प्रेजेंट वहां सैफई अस्पताल में प्रेजेंट में, लेकिन वो दिखावटी झूठा ड्रामा कर रहे हैं एक दिखाने के लिए पब्लिक को, इसलिए कि ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उनका जब मैंने कुछ पूछा तो मुझे ये एहसास 100% हो गया है, जब वो कह रहे कि मैं लड़के को साथ लेके गए थे तो तुमने अपने साथ वाले खींच लिया, आपने उसको क्यों नहीं खींचा है? इससे ये साजिश हो रही है कि आपने जानबूझ के साजिश की, जानबूझ के मेरे बेटे को डुबोया है।